चोरी का दूध छोड़ दे, तुमको सरदार बोल रहा है। चलो चलो चलो। सरदार साहब, मैंने मुंशी का पता, मैंने तुम्हें एक घंटा पहले बुलाने का कहा, तुम अभी बुला के आए हो। सरदार साहब, जब आपका हुक्म मिला थोड़ा ही चला आया। मेरे डेरे पर जो भी लड़के काम कर रहे हैं वो सारे सर पर चढ़ गए हैं। तुम किस बात के मुंशी हो? मैं तुम्हें फुल पावर देता हूँ, सब पर सख्ती करो, खास तौर पर तो इनको। सरदार साहब, आप जो संभालो, मैं इनको ऐसा सीधा करूँगा कि ये काम करने लगेंगे। जो चलो, तुम्हें बाद में बात करता हूँ। सरदार साहब ने कहा था कि इन पर सख्ती करना। मुंशी साहब, मेरे को किस बात में मार रहा है? टोपी का है सर पे, टोपी पे। मुंशी साहब, मुझे क्यों मार रहा है? हमारा कसूर क्या है? अगर सरदार साहब ने कहा था कि इन पर सख्ती करो, तुमको कहा था कि टोपी पहने, टोपी। सरदार साहब, तुमने मुंशी को पावर दी है, वो मुझे मारता है, शाम सवेरे मारता है, हमारा कसूर भी नहीं। तुम अपना काम करो, मैं मुंशी को बुलाता हूँ। दावा मुंशी को बुला किया। 20-30 लाख की कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास पैसे बहुत है। तुम काम करो, इस नंबर पे 50 का बैलेंस भेजना है मेरे नंबर पे, ठीक है? चलो मैं आ रहा हूँ, चलो चलो, आप बैलेंस भेजना। मुंशी, तुम नौकरों को ऐसे बिला वजह ना मारा करो, कोई बहाने से मारा करो। सरदार साहब, वो ऐसे सीखते नहीं है, आप ही कोई बहाना बताओ। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कोई लेने को भेजो, अगर ये दही वाली चटनी लाए तो इनको बोलो पुदीने वाली क्यों नहीं लाए, अगर पुदीने वाली नहीं आए तो इनको बोलो दही वाली क्यों नहीं लाए। हमको हमेशा क्यों मारते हो? हमारा कसूर क्या है? मार लड़ाते हो, जाओ पकौड़े लेके आओ, 50 के पकड़ो, ले लो। थोड़ी देर बाद सरदार, अगर शेर है मैं भी सवा शेर हूँ, खदीने वाली चटनी ले आया, दही वाली। ले आए जी। चटनी कहाँ है? ये दही वाले, पुदीने वाले कहाँ है? एक मिनट, ये है। पकौड़े खोल तो इधर है तेरे।